हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में एक ये माइक है 5 पिन का। ये कौन से फ़ोन में माइक लगता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए, इसके अंदर हमारी 5 पिन होती हैं। ये देखिए, इस तरीके का माइक होता है। और ये कौन से फ़ोन में लगता है और इसकी पिन कौन सी पिन क्या होती है हम आपको ये बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो इसकी याली पिन होती है, ये और ये दोनों पिन इस माइक की ये होती हैं ग्राउंड GND। ये दोनों पिन होती हैं इसकी ग्राउंड। और दोस्तों, इसके नीचे वाली जो पिन होती है यानी ये होती है डाटा डाटा सिग्नल पॉइंट। ये हमारा डाटा सिग्नल होता है याला ये पॉइंट, और ये पॉइंट होता है हमारा VDD पॉइंट होता है VDD। और ये जो पॉइंट होता है दोस्तों ऊपर वाला याला, ये क्लॉक पॉइंट होता है CLOCK। ये क्लॉक पॉइंट होता है। ये देखिए, ये पांचों इस तरीके होते हैं। ये हमारा जियो के फ़ोन में लगता है ये माइक, जियो के फ़ोन में। कौन से मॉडल में? F320B। ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ये माइक लगता है। और सिर्फ दोस्तों, ये माइक सिर्फ इसी मॉडल के अंदर लगता है और किसी मॉडल में ये माइक काम ही नहीं करता है। और ये ही माइक इस फ़ोन के अंदर काम करेगा और कोई सा माइक इस फ़ोन के अंदर काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप कोई और सा माइक इस फ़ोन के अंदर लगाते हैं तो इस फ़ोन के अंदर दिक्कत क्या आएगी, आपका ये फ़ोन हैंग होने लगेगा, हैंग हो जाएगा बिल्कुल, और जियो पर ही अटक जाएगा, पूरा ऑन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये 320B मॉडल का माइक है जियो का। ये हम यहाँ पर इसको जियो भी लिख देते हैं, जियो 320B। और ये देखिए माइक सिर्फ इसके, और इसके देखिए सिर्फ ये दो पॉइंट छोड़कर सारे पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको फ़ोन रिपेयर करने में, 320B मॉडल का माइक चेंज करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।